हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर अंकित गोयल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल अंकित फाइनेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज के टाइम में एक इन्वेस्टर के सामने बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि वो बैंक में पैसा जमा करे या पोस्ट ऑफिस में जमा करे। मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो इसी से रिलेटेड आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे कंपेयर करूंगा बैंक को और पोस्ट ऑफिस को, और उस कंपैरिजन के बेसिस पे आपको बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में से हमें कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए उन पैरामीटर्स के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। बट उससे पहले दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जितने भी अपकमिंग वीडियोज है उनके नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस और बैंक की, दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर हम एक इन्वेस्टर की बात करें तो एक इन्वेस्टर जब भी कहीं मनी इन्वेस्ट करता है, जब भी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अपना पैसा लगाता है, तो वो दो चीजों पर मेन फोकस करता है। वो दोनों चीजें हैं दोस्तों, एक रिस्क और एक रिटर्न। जी हाँ दोस्तों, हम पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों को ही कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क और रिटर्न, साथ ही साथ कुछ पैरामीटर्स और भी देखेंगे। सबसे पहले रिस्क की बात करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आप बैंक में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके पैसे का इंश्योरेंस हो रखा होता है, और ये इंश्योरेंस जो था वो 1 लाख रुपए का था, पर इसको बढ़ा के इसी साल बजट 2020 में इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। यानी 1 अप्रैल 2020 से आपका जितना भी मनी बैंक में सेव है, आइदर एज ए FD सेविंग अकाउंट या किसी भी तरीके के अकाउंट में बैंक में, तो वो 5 लाख तक का टोटल सिक्योर्ड है। अगर बैंक डूब जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो 5 लाख तक का अमाउंट आपको मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए अगर मैं बैंक में अपनी 10 लाख की FD कराता हूँ और बैंक डूब जाता है, तो मैक्सिमम 5 लाख रुपए मुझे दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो जाएगा। तो आपको यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेकेंड दोस्तों, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की। तो पोस्ट ऑफिस में मैं आपको बता दूं, पोस्ट ऑफिस में सोवरेन गारंटी होती है। सोवरेन गारंटी का मतलब है बैक्ड बाय गवर्नमेंट, या और आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये सारा पैसा गारंटी देती है गवर्नमेंट कि इन केस अगर पोस्ट ऑफिस आपका पैसा नहीं दे पा रहा तो गवर्नमेंट ये सारा पैसा आपको लौटाएगी। इसका रीजन भी है क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितना पैसा आता है वो सारा गवर्नमेंट द्वारा यूज किया जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट गारंटी देती है। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं बैंक को और पोस्ट ऑफिस को, तो रिस्क के बेसिस पे तो दोस्तों हमें ये समझ में आया कि पोस्ट ऑफिस ज्यादा सिक्योर है बैंक से, क्योंकि बैंक में एक सर्टेन लिमिट है, जबकि अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इसमें टोटली आपका सिक्योर है, कहीं भी रिस्क नहीं है, यानी आप कह सकते हैं कि जीरो रिस्क है। अब दोस्तों दूसरे पैरामीटर की बात करते हैं, रिटर्न की। एज इन्वेस्टर जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट क्या है, और जहां ज्यादा इंटरेस्ट रेट होती है हम पैसा वहां इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो सबसे पहले हम बैंक की बात करते हैं। तो बैंक में दोस्तों आज के टाइम में बहुत सारी बैंक है, सबके इंटरेस्ट रेट अलग अलग है। हम यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का, क्योंकि SBI सबसे बड़ी बैंक है और मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स में पैसा लगाते हैं। तो SBI में भी दोस्तों इंटरेस्ट रेट पहले थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी, पर इसी महीने में 2 बार SBI ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया और अब SBI के इंटरेस्ट रेट भी काफी कम हो गए हैं। अगर हम FD की बात करें तो 1 ईयर से 10 ईयर्स की FD पे अब जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.7% है। दोस्तों अगर आपको और FD के बारे में डिटेल चाहिए तो नीचे मैं आपको लिंक दे देता हूं, उसमें सारे ही इंटरेस्ट रेट बताए गए हैं FD से रिलेटेड, आप उसे इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं आपसे कह रहा था कि अगर हम बैंक में बात कर रहे हैं, बैंक में आप FD कराते हैं, अगर आप टैक्स सेविंग FD कराते हैं 5 ईयर्स की या 5 ईयर से कम की भी, तो 5.7% इंटरेस्ट रेट है। अब दोस्तों हम पोस्ट ऑफिस की बात कर लेते हैं। पोस्ट ऑफिस बहुत सारी स्कीम देता है जिसमें आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं उन स्कीम्स की, तो PPF की बात करते हैं। दोस्तों पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इसी अप्रैल 2020 में, यानी 31 मार्च 2020 को गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया है पोस्ट ऑफिस के केस में भी। तो ये सारी इंटरेस्ट रेट का अपडेटेड वीडियो अवेलेबल है लिंक पे, आप वहां से देख सकते हैं कि PPF में, NSC में या टर्म डिपोजिट में सीनियर सिटीजन के लिए कितनी इंटरेस्ट है। तो अभी हम यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं, SBI की हमने बात की थी कि वहां पे इंटरेस्ट रेट 5.7% है, बट अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें दोस्तों तो PPF पे 7.1% की इंटरेस्ट रेट है, NSC पे बात करें तो ये 6.8% की इंटरेस्ट रेट है, वहीं 5 ईयर के अगर हम टर्म डिपॉजिट पे बात करें तो 6.5% इंटरेस्ट रेट है। या सुकन्या समृद्धि योजना और जितनी भी स्कीम है उसमें आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक। बैंक में जहां 5.5% थी वहीं पोस्ट ऑफिस में 6.5% है अगर हम 5 ईयर टैक्स सेविंग FD की बात करें, तो पोस्ट ऑफिस के केस में आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं इस पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट को जो कम कर दिया गया है, ये 3 महीने के लिए डिसाइड की जाती है
और जहां तक है ये पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट आगे और इंक्रीज हो जाएंगी, जैसे पहले भी ज्यादा हुआ करती थी, पर क्योंकि अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है, गवर्नमेंट थोड़ी सी चिंतित है, उसे मैनेज करना है इकोनॉमी को, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, पर फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। और अब हम रिटर्न के बेसिस पे देखें तो रिटर्न के बेसिस में भी पोस्ट ऑफिस में ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको एज कंपेयर टू बैंक। अब दोस्तों हमने दो पैरामीटर कंपेयर कर लिए, पहला पैरामीटर था रिस्क, दूसरा पैरामीटर था रिटर्न। तीसरा दोस्तों हम बात करते हैं आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी की। तो ये तो हमें पता है कि बैंक जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सीबीएस ब्रांचेज हैं, सीबीएस ब्रांचेज साथ ही साथ बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटी है, आप ऑनलाइन एफडी करा सकते हैं बैंक के केसेस में, आप पैसा कहीं से भी निकाल सकते हैं, आप डिपॉजिट भी कहीं से भी करा सकते हैं, साथ ही साथ आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो आप वो भी ऑनलाइन फैसिलिटी है कि आप अप्लाई कर सकते हैं, चेकबुक के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो बैंक के केस में तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पर अगर हम पोस्ट ऑफिस की बात करें दोस्तों, तो पोस्ट ऑफिस के टाइम, आज के टाइम में पोस्ट ऑफिस भी कंप्यूटराइज्ड हो गया है, सारी ब्रांचेस में कंप्यूटर लग गए हैं, अगर आप एनएससी कराते हैं तो उस केस में भी आपको आज के टाइम में प्रिंट पासबुक दी जाती है जहां पहले फिजिकल दी जाती थी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी मोबाइल ऐप भी आ गई है पोस्ट ऑफिस की, अगर आपको नहीं मालूम तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उसके थ्रू आप चेकबुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी अकाउंट की डिटेल भी देख सकते हैं, यानी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पोस्ट ऑफिस में बैंक के कंपैरिजन जितनी फैसिलिटी है ऑनलाइन, पर वो धीरे धीरे इंप्रूव हो और गवर्नमेंट इसके लिए वर्क कर रही है, और साथ ही साथ हमें लगता है थोड़े टाइम में बिल्कुल अपडेटेड हो जाएंगी जैसे कि ये फैसिलिटी बैंक दे रही है। तो दोस्तों अगर इन तीन पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, हमने रिस्क की बात की, रिटर्न की बात की, साथ ही साथ ऑनलाइन फैसिलिटी की बात की, तो मैं तो ये कहूंगा कि पोस्ट ऑफिस एक बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू बैंक। तो मैं ये नहीं कह रहा आप सारा पैसा पोस्ट ऑफिस में लगा दीजिए, कुछ अपने ट्रांजेक्शन करने के लिए, डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए आप अपना बैंक अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको अच्छी रिटर्न चाहिए और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक ऑप्शन देख रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस इज द बेस्ट ऑप्शन। तो इस वीडियो में हमें समझ में आया कि पोस्ट ऑफिस और बैंक में कौन सा ऑप्शन अच्छा है। तो दोस्तों अभी जो इंटरेस्ट रेट चेंज हुई है, सारी अपडेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे बनाता रहता हूं, आप मेरे चैनल को विजिट करिए, उसमें वीडियोस में जाइए तो जितने भी अपडेशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स से रिलेटेड चेंजेस किए हैं काफी, साथ ही साथ आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री जितने भी नोटिफिकेशन दिए हैं और जिससे आपके पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है, जिन्हें हमें जानना चाहिए, वो सारे ही अपडेट, बैंक से रिलेटेड अपडेट सारे ही वीडियोज अवेलेबल है, आप उन्हें देखें और अपनी फाइनेंस नॉलेज बढ़ाएं, जिससे आपको एक फाइनेंशियल अवेयरनेस होगी, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, रिस्क कम होगा, साथ ही साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन ले पाएंगे। तो ये सारी फैसिलिटी फ्री है, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहता है, और मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं वीडियो कंटिन्यूअस लेके आता रहूंगा। थैंक यू।